वेलकम बैक टू आवर चैनल डे लर्निंग्स। कैसे हैं आप सब? डे लर्निंग्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगी। तो चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ या फिर जनरली आपकी बालों की ग्रोथ बहुत स्लो है, तो आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जरूर ट्राई करके देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी है वो टिप्स। टिप नंबर वन, मसाज योर हेयर एवरी डे। यानी कि आपको हर दिन अपने बालों की मसाज करनी है, अपने स्कैल्प पर मसाज करनी है। खैर, कभी कभी तो हम सभी ऑयल के जरिए मसाज करते हैं अपने सर में, लेकिन जब आप रोज अपने बालों में मसाज करते हैं तो ऐसे में आपके हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उससे ब्रेकेज के चांसेस कम हो सकते हैं। तो चाहे आप हफ्ते में एक बार ऑयल के जरिए मसाज करते हो, तो भी आपको हर दिन ड्राई मसाज जरूर करनी है अपने स्कैल्प पर। टिप नंबर टू, ब्रश योर हेयर जेंटली फ्रॉम स्कैल्प टू द एंड। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बाल केवल ऊपर ऊपर से ब्रश करते हैं या फिर केवल नीचे से ब्रश करते हैं टिप्स से, जिससे कि आपके बाल पूरी तरह से सुलझ नहीं पाते हैं। जब आप अपने बालों को ब्रश करते हैं तब ये आपके बालों के लिए भी एक एक्सरसाइज होती है, इसलिए आप इस स्टेप को स्किप बिल्कुल मत करिए। तो ध्यान रखिए कि आपको दिन में एक बार जरूर अपने बालों को स्कैल्प से लेकर एंड तक अच्छी तरह से एक बार में ब्रश करें। टिप नंबर थ्री, रिंस योर हेयर विद नॉर्मल टू कोल्ड वाटर। यानी कि जब भी आप अपने बालों को धोने जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आप यूज कर रहे हो नॉर्मल या फिर कोल्ड वाटर। जब आप अपने बालों को रिंस करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्कैल्प में प्रेजेंट सारे के सारे एसेंशियल ऑयल भी उसी पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। और जब आपके स्कैल्प से सारे के सारे एसेंशियल ऑयल बाहर निकल जाते हैं तब आपका स्कैल्प ड्राई हो सकता है, प्रमोटिंग मोर ब्रेकेज। टिप नंबर फोर, अवॉइड टाइंग अप योर हेयर टू ऑफन। यानी कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने बालों को बार बार पोनी में बांध देते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है या फिर जनरली आपकी बालों की हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं है। जब हम कंटिन्यूसली अपने बालों को बांध करके रखते हैं तो होता ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उससे आपके स्कैल्प को इरिटेशन हो सकती है, जिससे कि आपके बाल और भी ज्यादा झड़ सकते हैं। अगली टिप, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं, अवॉइड यूजिंग टूल्स दैट प्रोड्यूस टू मच हीट। यानी कि आपको सारे उन हेयर स्टाइलिंग मशीन्स को बाय बाय कहना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं या फिर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं तो ये ऑलरेडी एक साइन है कि आपको ऐसी चीजें करना बंद करना है। जब हम ऐसी हेयर स्टाइलिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि स्ट्रेटनर या फिर कर्लर या फिर ब्लो ड्रायर मशीन, तो वो आपके बालों को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है और साथ ही साथ आपके बालों को डैमेज भी करती है। आखिरी टिप, जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की हेयर ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं, वो ये है दैट यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड हेयर सीरम। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जब भी सीजन में कोई भी चेंज आता है, मौसम में कोई भी बदलाव आता है या फिर आप कहीं बाहर से ट्रैवल करके वापस लौटते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। वेल, इसका कारण ये है कि हवा से भी आपके बाल काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। अगर आपके बालों को हार्श सीजन में बहुत ज्यादा हवा लगती है तो उससे भी आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है और इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है हेयर सीरम। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की टिप्स और ट्रिक्स से कुछ मदद मिले और आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें मेंशन किए गए टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे लर्निंग पे आपको मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस, सेल्फ हेल्प वीडियोस और भी बहुत कुछ। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय।